यो कैसे हो सब लोग। और सरप्राइज़ फाइनली ये है कि मैं आ चुका हूँ मुंबई देने के लिए इंटरव्यू कुछ एथलीट्स के। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि पहली बार चैनल के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ आएंगे और कुछ बड़े एथलीट्स के इंटरव्यूज़ आएंगे, तो ये एक स्पेशल बात है। बाकी फ़िलहाल यार, मैं आज सुबह जब निकला था यहाँ से दिल्ली से अपने, तो यार इतनी ज़्यादा ठंड थी कि कब कब ही छूट गई थी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हालत ये है कि गर्मी हद से ज़्यादा है, और पता नहीं यार मुंबई में सर्दी पड़ती है नहीं पड़ती है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल चेक इन कर चुका हूँ अपने होटल रूम में, और इसके बाद में हम लोगों को जाना है एक्चुअली एक जिम ओपनिंग में जो कि होने वाली है मलाड में। तो आसपास का एरिया जाते हैं वहाँ पर, और स्पेशल बात यह है कि वहाँ पर कई सारे बड़े एथलीट्स भी आने वाले हैं, तो उनसे मिलने का मौका मुझे मिलेगा। और मिलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि किस तरह से और कितना एक्साइटिंग जाता है वो वाला इवेंट। हम लोग इस जिम की ओपनिंग में आ चुके हैं, जो कि है ई जिम करके एक जिम यहाँ पर खुला हुआ है, और बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। और कई सारे, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, बड़े बड़े एथलीट्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो एक एक करके मिलते हैं सबसे और देखते हैं कैसे है सब। बताइए भाई, हमारे चैनल के पहले ब्लॉग में इसमें क्या आ रहे हैं? पहला ब्लॉग, पहले आपने दिल्ली में बनाया था, फर्स्ट टाइम टॉकिंग लाइव ऑन ऑल अबाउट ओलंपिया। अमेजिंग गाय, बहुत अच्छा काम, कंटेंट बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों को सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो दिखती है, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है एक वीडियो पे 5-5-10-10 दिन सिर्फ रिसर्च करते हैं। अरे भाई क्या, और हमारी बहुत बातें होती है। तो आई एम रियली ग्लैड कि इन्होंने मेरे ऊपर बायोग्राफी बनाई थी। एंड आज हम हैं मुंबई में, जो ई जिम का सबसे बड़ा जिम, सबसे बड़ा जिम है। और कौन सी ब्रांच है भाई इसकी? ये मलाड वाली ब्रांच है। हम यहाँ पे ओपनिंग के लिए आए, अविरल भाई भी हमारे साथ है। सो गाइज, आई विल सजेस्ट यू, अगर आप YouTube पे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। अरे भाई, ये वर्ड पहली बार बोला गया इस चैनल पर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे मत करो चलेगा, बट ये चैनल। अरे नहीं नहीं नहीं, 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 दिस इज ऑल अबाउट ओलंपिया, एंड मैं जरूर प्रॉमिस करता हूँ एक दिन ओलंपिया की ट्रॉफी लेके इस चैनल पे फिर आऊंगा। और ये देखो, ये देखो कैसा चल रहा है, बाजू में आके खड़ा हो गया मेरे, वहाँ पे भी देखो, पिक्चर में भी चल रहा है, यहाँ पर भी, पिक्चर में भी खुन्नस दे रहा है, और इधर भी बाइक में आ गया। देखते हैं ऐसी है, देखते हैं ऐसी है। हाय गाइस, आप भी बोलिए कुछ। हाय गाइस, माय नेम इज मनोज, एंड ऑल अबाउट ओलंपिया अविरल जी का चैनल है। उन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट ऑल द बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस रिलेटेड शोज के बारे में, और एथलीट्स के बारे में, उनकी बायोग्राफी बनाना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका यूट्यूब चैनल में, इनका एक भी सिंगल वीडियो मिस नहीं करता, और मैं सारे वीडियो देखता हूँ। और इन्होंने मेरा भी वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट ब्यूटीफुल वीडियो। एंड आई होप फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर, और ये भी आ गए, ये बहुत ज़्यादा जाने पहचाने से। मेरा नाम सिद्धांत जायसवाल, और क्या बताऊँ भाई, क्या बताओगे? अरे आपको कुछ बताने की जरूरत है? मैं कॉम्पीट करता हूँ अभी मेहनत कर रहा हूँ, अभी और इम्प्रूव कर रहा हूँ, और इम्प्रूव कर रहा हूँ, और इम्प्रूव करते जाएंगे फिर। भाई बहुत मेहनत करे, बताओ, दिल्ली से मुंबई आए। और 10 मिनट के अंदर मैं 2 चाय गटक चुका हूँ, तो ये हालत है। और लेकिन अभी भी मैं बताऊँ, एडिटिंग मुझे करनी है, तो यहाँ पर बैठ करके अपन आराम से करते रहेंगे जो भी अपना काम है। Hi guys, we are at the very very famous and legendary gym called Skies. This gym is in Andheri, Milatnagar Circle. Okay. We all work out here, and I am here with my big brother Aviral Agarwal. Bhai, big brother aap ho mere. Main budha hu. चलो ठीक है, आप बुढ़े ही मान लो, लेकिन आप बड़े जरूर हो, ये बात मुझे मालूम है। यार मैं साइज में बड़ा हूँ, बट उम्र में नहीं, मैं छोटा सा बच्चा हूँ भाई। जीएसटी काट दो तो 18 साल का हूँ मैं। अच्छा, हाँ। वेल, बात करते हैं आज के वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो वाइज बहुत ही सादा, मुझे ऐसा लग रहा था बनाओ नहीं बनाओ, बट मैंने बोला कि यार फाइनली बना देता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना है। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे है, और हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। मैं भी काफी सालों से वर्कआउट करता हूँ भाई। कितना टाइम हो गया आपको वर्कआउट करते हैं इस वाले जिम में? तो मैं मेरे ख्याल से 2016 से कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि इतने टाइम में तो 2 बच्चे बड़े हो गए होते क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ना कि आपकी जो भी भाई वीडियोस आती है वो कुछ यहाँ पर शूट होती है इस जगह पे, या ये ज़्यादातर यहाँ शूट होती है। तो फिर अगर आप वर्कआउट देख रहे होंगे तो ये जो जिम है उसके अंदर शूट होता है, बिकॉज ये जिम से यार एक बहुत बड़ा लगाव है। सो थैंकफुल टू स्काइज जिम, एंड गाइज इफ यू एवर कम टू मुंबई, मेक श्योर टू कम हियर इफ यू वॉन्ट टू मीट मी, और इफ यू वॉन्ट टू मीट मनोज पाटिल, वी बोथ वर्कआउट हियर, एंड इफ यू वॉन्ट टू मीट अविरल अग्रवाल भाई, तो भी आप इधर आ जाना। तो मैं आपकी एक चीज कॉपी करना पड़ूंगा। क्या
हाय दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम है अविरल अग्रवाल। आपका नाम तो जुनैद कलीवाला। अच्छा सॉरी। हाय गाइस, कैसे आप सब? मेरा नाम है जुनैद, IFBB प्रो जुनैद कलीवाला। और आप देख रहे ऑल अबाउट ओलंपिया। सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे क्या घंटा जरूर दबाए। अच्छा, आपको कोई स्टाइल था ना ये घंटा दबाने वाला? पहले एक्चुअली में ना ऐसा था कि घंटा इतना दबाओ कि घंटा टूट जाए। लेकिन तकलीफ ये हो गई कि जितनी बार घंटा दबाते ना तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब होता है। तो इसलिए मैंने उल्टा, इसलिए यानी ये बोलते ना कि रीबाउंड हो गया मेरे ऊपर, तो मैंने बोला कि अब घंटा जरूर दबाए। क्योंकि मैंने जितने शोज किए ना उससे सबसे ज्यादा कंडीशनिंग और डिटेलिंग और डेंसिटी इस बार देखेंगे लोग। भाई अब आप ये बताइए कि अभी करंट आपका क्या बॉडी वेट अभी चल रहा होगा? 9900। सच बता रहे? सच में मैं पहले 1078 तक पहुंच गया था, बट मुझे लोअर बैक में पेन होना चालू हो गया। लोग अनस्टॉपेबल फिटनेस अरीना के सामने लेने के लिए सिद्धांत जायसवाल का इंटरव्यू, तो मिलते हैं सिद्धांत भाई से। तो ये है पूरा का पूरा क्रॉसफिट एरिया यहाँ पे इस वाले जिम का। तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ सिद्धांत भाई के जिम में और इस वक्त हम लोग लेने वाले हैं इनका इंटरव्यू। वेलकम बैक अनस्टॉपेबल फिटनेस अरीना। आप लोग आप स्टार्टिंग करेंगे? नहीं नहीं, आप करिए। ये डार्क क्यों हो गया आइला? ये यहाँ पर आपके साथ में क्यों डार्क होता है? यस शिट, हाँ हो गया, अभी सही है, ऐसे ही रहना मेरे भाई। दोस्तों कैसे आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते इस वीडियो में बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में कुछ इस तरह से। डाइट में मैंने पैसे डाला, फिर मेरे जो भी सप्लीमेंट्स है सब में मैंने पैसे डाला और सेविंग कुछ नहीं कर रहा था मैं, जो भी था सब बॉडी में डालता था। फिर मैं एमेच्योर ओलंपिया 2017 एक रियलिस्टिक गोल रखते हैं जो कि टॉप फाइव में करके मैं सोचा। पर 2018 में मैं जब भी खेला, ऑफकोर्स आई गॉट ब्रॉन्ज। देखते रहिए पूरा वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाल कलर में इंग्लिश में लिखा है सब्सक्राइब। भाई सब कुछ आप ही ने बोल दिया, मैं भी मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। वैसे मैंने ये बिना बोले भाई, बिना सब्सक्राइब बोले 100K पे पहुंच गए हम भाई। मेरा भी चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई। जुनैद भाई का चैनल है जुनैद कालीवाला। और ये वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, देखो कितना मस्ती मजाक करते जाते हैं लोग, खुद ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। आप जाओ जुनैद भाई का चैनल देखो, मैं ना मेरे चैनल पे कोशिश करता हूं कि जो आप लोगों के रेगुलर क्वेश्चन है उसके आंसर वीडियो बना के दे सकूं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी भूख लगी है खाना, और लिंक मैंने डाल दिया नीचे, आप देख लो। डाल दिया। और बहुत कमाल की भाई वीडियोस बनाते हैं भाई। आज आपने कौन सी वीडियो बनाई? भाई मैंने आज वीडियो बनाई है हाउ टू मेक करियर इन फिटनेस इंडस्ट्री। और ये मेरा भाई है, ये भाई अगर आप आ जाओ ना यार हमारे, ये भाई साहब मुझे संभाल रहे हैं, शिवम जायसवाल। अगर आपको कभी भी कुछ भी पूछना है जी, तो ही इज द राइट पर्सन। और आप एडिटिंग भी करते हैं ना भाई के लिए? हाँ, सब कुछ मेरे ये शूट करता है। अच्छा, मुझे नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ बट ये सीखने नहीं देता। ये बोलता है अगर तुम सीख जाओगे तो मुझे रखेगा कौन। 5 दिन के सफर के बाद वापस चल पड़े हम लोग मुंबई से दिल्ली। तो इस ब्लॉग की कहानी बताऊं तो यार बिल्कुल कोई प्लान था नहीं और मन था नहीं मेरा बनाने का। मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्यों इसको बनाया है, और अपना एक्सपीरियंस ही नहीं है ब्लॉग बनाने में और ना मैं अच्छा बना पाता हूँ। मुझे मालूम है कि कितना घटिया ब्लॉग ये बना है। लेकिन अगर बात करूँ मैं मुंबई की, तो मुंबई का टूर यार अपना बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, जितना मैं सोच करके गया था। इनफैक्ट उससे ज़्यादा सक्सेसफुल मैं कहूँगा उस वाले टूर को। बस थोड़ा ये है कि वहाँ पे जाके घूम नहीं पाया, लेकिन इंटरव्यूज़ लेने के लिए गया था मैं 5 और लेकर के आया 6। क्योंकि हुआ ये कि एक तो जुनैद भाई के साथ में जो इंटरव्यू था वो मैंने 2 बार करा, पहली बारी में तो अपने से हुआ नहीं तो दोबारा उसको शूट करना पड़ा। तो वो रीशूट इंटरव्यू है जो आप देखोगे चैनल पर।
और एक मैंने इंटरव्यू करा जिसमें कि जुनैद भाई, मनोज भाई और सिद्धांत भाई, ये तीनों थे। तो इसके बारे में कोई प्लान नहीं था और ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर के 4 एथलीट्स के मैंने लिए 6 इंटरव्यूज़ और एक ये व्लॉग भी हो गया है। तो यही रहा पूरा एक्सपीरियंस। बाकी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा तो मैं टूटे हुए ट्राईपॉड से अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ ये, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया। और लेकिन सब चीज़ें जो भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कमाल का मेरा टूर रहा मुंबई का, मैं ये बात कहना चाहूँगा। बहुत ही वहाँ के सपोर्टिव लोग हैं और सभी लोग, सारे एथलीट्स मैं कहूँगा, किसी को भी एक को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो शाउट आउट वहाँ के सभी लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए। और बस यही था इस वीडियो में। आप लोग बताइएगा आपको ये व्लॉग कितना घटिया लगा। और अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।